अस्सलाम वालेकुम। हम लोग रिफ्रैक्शन का टॉपिक कर रहे थे सुबह वाली क्लास में। हमने इसको आज की क्लास में यहाँ तक सॉल्व किया था, यहाँ तक हमने काम किया था। ये टॉपिक चल रहा था एक्सपेरिमेंट टू शो रिफ्रैक्शन। ठीक है, हमने सुबह आज सुबह वाली क्लास में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। जब इसकी ड्राइंग होती है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये ड्राइंग कंप्लीट हो तो P1 P2 इज पैरेलल टू P3 P4। देखो, P1 P2 इज पैरेलल टू P3 P4, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। ये वाली स्क्रीन देखें, देखो आज का पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि P1 P2 इज पैरेलल टू P3 P4। ये उसके पैरेलल है। और ये लाइन कॉपी करिएगा, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा पूरी। अब देखिए, हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं दो तीन मरतबा। तो लिखिएगा कि एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 5 times। एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 5 times टू सो दैट
एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 5 times सो दैट एन एवरेज कैन बी टेकन सब लोग ये वाली. अच्छा टू लिखा था टू कैलकुलेट एवरेज फॉर एन. दिस विल रिड्यूस द एरर. दिस विल रिड्यूस द एरर. सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा.
अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, जब हम टेबल बन जाएगा ना, तो उसके बाद ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाकर उसका जो ग्रेडियंट निकलेगा वो शो करेगा एन को। उसके बाद ये कॉपी करिएगा, ये कॉपी हो गया, ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनेगी। ठीक है, अच्छा अब आज का अगला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था जब हम कर रहे थे वाटर वाला चैप्टर ट्रांसवर्स का। अगर इंसिडेंट वेव 90 डिग्री पर आए, मतलब नॉर्मल पे, तो वो मुड़ती नहीं है, स्ट्रेट जाती है। तो नीचे लिखिएगा कि बेंडिंग ऑफ लाइट डज नॉट अकर, लिखिएगा बेंडिंग ऑफ लाइट डज नॉट अकर बेंडिंग ऑफ लाइट डज नॉट अकर व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग ऑन द नॉर्मल। बेंडिंग ऑफ लाइट डज नॉट अकर व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग ऑन द नॉर्मल। अगर लाइट नॉर्मल पर आ रही हो तो वो फिर मुड़ेगी नहीं, वो बिल्कुल सीधा 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 निकल जाएगी। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें,
लेकिन जो वेवलेंथ है वो चेंज होगा, तो अब उसी स्क्रीन को अपडेट भी कर लीजिएगा। देखिए जो आपने कॉपी किया उससे हमारा आज का अगला कॉन्सेप्ट बन गया कि जो जब वेव सीधा सीधा आती है नॉर्मल पर तो वो मुड़ती नहीं है, वेवलेंथ बहरहाल बदलता है। अब इसमें जो प्रिकॉशंस हैं वो वही होंगी जो आपने वहां लिखी थी, तो आप लिख दीजिएगा प्रिकॉशंस आर द सेम, नीचे ब्रैकेट में लिखिएगा। Precautions are the same. As in the experiment of reflection. अब हेडिंग डालिएगा रे बॉक्स।
सुबह मैंने एक्सप्लेन किया था कि रे बॉक्स क्या होते हैं। देखो इसको कहते हैं रे बॉक्स, यहां से लेजर से निकल रही है, इसमें जा रही है और यहां से फिर आगे जा रही है। इसको कहते हैं रे बॉक्स। तो आपने हेडिंग डाली रे बॉक्स में, इस पे सुबह मैंने नोट्स बना दिए थे, तो आप लिखिएगा इन केस ऑफ रे बॉक्स, इन केस ऑफ रे बॉक्स पिन्स आर नॉट रिक्वायर्ड, उसमें पिन नहीं लगानी होती। चलिए हेडिंग डालिएगा रिफ्रैक्शन थ्रू अ सेमी सर्कुलर गिलास और प्लास्टिक ब्लॉक। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। अब देखो मैंने बीच में एक सेमी सर्कुलर ग्लास ब्लॉक रख दी है। मैं वही करूंगा जैसे मैं, आपको याद होगा जो लोग एटीपी की क्लासेस लेते रहे हैं, जो लोग एटीपी की क्लासेस लेते रहे रेगुलर, उन्होंने देखा होगा कि यह सवाल मैंने करवाया था। अब दो पिंस मैंने उधर लगाई, फिर इधर आके बैठ जाऊं, इधर से देखूं तो दो पिंस और लगा दूं। लगाना ऐसे है कि चारों पिंस एक ही लाइन में दिखें। तो ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट है। अब ये वाला एक्सपेरिमेंट कॉपी करिएगा।
सब लोग इसको कॉपी करिएगा, फिर आगे वही वुडन बोर्ड की कहानी है जो मैंने पहले दो मरतबा लिखवाई है, तो मैं दोबारा वो नहीं लिखवाता, टेक अ वुडन बोर्ड और वो सारा जो है। जब कोई लाइट रे सीधा सीधा आती है और वो इस ग्लास सेमी सर्कुलर ग्लास ब्लॉक में घुसेगी, अगर वो सीधा आती है और एंटर होती है तो ये एंगल अगर 90 बन रहा है तो लाइट मुड़ेगी नहीं, यहाँ पहुंचेगी। यहाँ क्या मसला होगा कि ये वाला पोर्शन ग्लास ज़्यादा डेंसर है, ग्लास डेंसर है ना, तो जब डेंसर से लाइटर उतरेगी तो फिर वो नॉर्मल से दूर हटेगी, denser to lighter it bends away from the normal and lighter to denser it bends towards the normal। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। Can you go back for a second?
5 degrees. Ten degrees. Fifteen degrees. Twenty degrees. Twenty-five degrees. 30 degrees, 35 degrees, 40 degrees, 45 degrees. 50 degrees, 55 degrees, 60 degrees, 65 degrees. 70 degrees, 75 degrees. देखिए अब जिन लोगों ने इस एनिमेशन को गौर से देखा, ये वो सर्कुलर ब्लॉक वाली एनिमेशन है। इसमें आपको पार्शियली रिफ्लेक्शन भी नजर आ रही थी। अब हेडिंग डालिएगा कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। ये वाली हेडिंग डाल दें, डिस्पर्जन ऑफ लाइट ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, ये वाली हेडिंग डालें। चेंज इन लैम्डा चेंज इन कलर होता है। जब आप वेवगाइड से गुजरते हैं तो वेवगाइड में आहिस्ता आहिस्ता लैम्डा बढ़ता है। चेंज इन लैम्डा चेंज इन कलर है। तो ये फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बना लो कि जब वेवलेंथ बदलता है तो कलर बदल जाता है। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। व्हाइट लाइट,
अब जब व्हाइट लाइट आती है और जब वो लाइटर से डेंसर में जाएगी, तो जैसे हमने प्रिज्म में सीखा था, वो ब्रेक करेगी, वो दो कलर्स में ब्रेक कर जाएगी। अगर व्हाइट लाइट आएगी तो वो कलर्स में ब्रेक करेगी। और आपको याद होगा इसका रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन था एंगल ऑफ डिविएशन में फर्क होता है, रेड और वायलेट के एंगल में फर्क होता है। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। अगर वाइट लाइट बिल्कुल सीधा आती है, तो जैसे अभी पीछे मैंने नोट्स में लिखवाया कि जब लाइट सीधा आती है तो फिर वो मुड़ती नहीं है, तो यहां पर डिस्पर्शन नहीं होगी। इस एनिमेशन को सब लोग और से देखिएगा। चलें, हेडिंग डाल दीजिएगा रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। ये टॉपिक नए सिलेबस में इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द न्यू सिलेबस।
अब देखो इसका क्या मतलब है, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ होता ये है कि जैसे आप किसी स्विमिंग पूल के करीब खड़े हो तो आपको उसकी जो डेप्थ फील होती है, दिखाई देती है, रियल डेप्थ उससे ज्यादा होती है। ये बात जाहिर है उन लोगों को बेहतर समझ आएगी जो पूल में उतर चुके हैं, वो जो स्टेप्स होते हैं पूल के। मसला क्या होता है कि अगर आप यहाँ खड़े हैं, इधर अगर आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ से लाइट आ रही है, तो जब लाइट इसमें घुसेगी तो आपको लगेगा कि रोशनी बेंड होकर आ रही है पी से, लेकिन असल में लाइट ऐसे नीचे मुड़ेगी, वहां से आएगी और फिर सीधा होके ऊपर आएगी। तो अपेरेंटली ऐसा लगेगा कि ये जो डेप्थ है वो सिर्फ इतनी सी है, लेकिन असल में जो डेप्थ होगी वो इससे बहुत ज्यादा होगी। ये मसला होता है वहां पर जहाँ स्विमिंग पूल्स होते हैं, वहां पर ये मसला ज्यादा आता है। इसको कहते हैं डिफरेंस बिटवीन अपेरेंट एंड रियल डेप्थ। तो आपने जो लिखा था उसके बाद ये वाली डायग्राम कॉपी करनी है, नीटली कॉपी करिएगा। इसी पर फिर एक शॉर्ट ब्रेक भी कर लेते हैं नमाज के लिए, इसको आराम से पहले कॉपी कर लें, फिर 5 मिनट का नमाज के लिए ब्रेक है।
अब सब लोग ये फॉर्मूला कॉपी करिएगा, n इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। चलें हेडिंग डालिएगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ प्रिज्म। मैंने ये वाला टॉपिक अपने पिछले लेक्चर्स में कवर करवाया था। ये जो आपको शेप नजर आ रही है दिस इज कॉल्ड अ प्रिज्म। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरती है तो वो सेवन कलर्स में डिवाइड हो जाती है। जब लाइट प्रिज्म में एंटर होती है तो वो दो मर्तबा रिफ्रैक्ट होती है, एक मर्तबा एंटर होते वक्त और एक मर्तबा मुड़ते वक्त। ये वाला जो एंगल है इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। हमने ये डिस्कस किया था तो इसको आप ओरली देखिएगा। ये इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है, ये नॉर्मल यहां बना हुआ है, यहां भी बना हुआ है। नॉर्मल बनाने का इनको बड़ा शौक होता है। आप अगर इस लाइन को पीछे की तरफ लेते जाएं तो जो ऑब्जेक्ट होगा ना, ये ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर आपको इमेज दिखेगा। ये वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिविएशन। ये मैंने सब कराया हुआ है ना। तो अब आप मेरे साथ एक क्वेश्चन देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन ये हमने पहले नहीं किया हुआ क्लास में। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़िएगा प्रैक्टिस के लिए सब लोग।
अब जिन्होंने क्वेश्चन पढ़ा, लाइट रेज आर डिविएटेड बाय अ प्रिज्म, द डिविएशन एंगल ऑफ द मेजर इज डी इज मेजर फॉर लाइट रेज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्लूडिंग ब्लू लाइट एंड रेड लाइट, विच ग्राफ इज करेक्ट। अच्छा वो याद रहे कि रेड की डिविएशन कम होती है और ब्लू की डिविएशन ज्यादा होती है, याद रखिएगा रेड की डिविएशन कम होती है ब्लू की ज्यादा होगी। ये अब ऑप्शन है, इनमें से सेलेक्ट करें, आंसर जो आप सेलेक्ट करें वो मुझे चैट पे बता दें। अभी तक किसी ने उसका फीडबैक नहीं दिया। देखो इसमें मैंने बता दिया था कि होता ये कि जो जो डी है वो ब्लू वाले का ज्यादा है, रेड का कम है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। A prism is a piece of glass or any other transparent material bounded by two triangular and three rectangular surfaces. One of the rectangular surfaces, BCFE, is called the base of the prism. The other two inclined surfaces, ABED and ACFD, are known as the refracting surfaces. The line along which the refracting surfaces meet is called the refracting edge of the prism. The angle between two refracting surfaces is called the angle of the prism. Any section of the prism perpendicular to the refracting edge is called the principal section of the prism. It was Sir Isaac Newton who first observed that when a beam of white light or sunlight is refracted by a glass prism, it splits into seven different colors. This shows that white light is composed of seven different colors, namely red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. This phenomenon by which a ray of light splits into its constituent colors when passed through a transparent medium is known as dispersion. The band of colors obtained due to the dispersion of light is called the spectrum. This visible spectrum has wavelengths ranging from 0.4 microns to 0.7 microns. Red light has a longer wavelength than violet light. Let us now trace the path of light through a prism.
Place a prism on a white sheet of paper with a triangular face on the sheet and trace its boundary A, B, C. Fix two pins, T and S, on one side. Place the prism on the boundary A, B, C. Looking through the other side, fix two more pins, Q and R, in such a way that all the four pins appear to be in the same line. Remove the pins and mark their positions. Join TS and RQ and extend them to meet the faces of the prism at P and O respectively. Join PO. TP represents the incident ray. PO represents the refracted ray. And OR represents the emergent ray, which is bent towards the base. Let PN and ON be the normal at the points P and O respectively. And let I be the angle of incidence and R the angle of refraction. If the incident ray TP is extended forward and the emergent ray RO backwards, they meet at M, forming the angle OML. Measure the angle OML. This angle is called the angle of deviation. Angle of deviation is the angle through which an incident ray deviates. Repeat this for different values of angle of incidence. Here is an interactive exercise on dispersion. Explore and learn. अब ये पूरा डिटेल एक्सपेरिमेंट था जो मैंने आपको पिछली क्लास में लिखवा भी दिया था, दैट वाज रिलेटेड टू प्रिज्म, और आपने हेडिंग डाली हुई है, आपके पास हेडिंग तो डली हुई है, और उसमें आप ये वाली डायग्राम आप कॉपी करिएगा, ये वुडन बोर्ड वाली डायग्राम फिर से कॉपी होगी, सब लोग ये कॉपी करिएगा।
बहुत प्यारी, बिल्कुल फिट जा रहा है। अब ये एक्चुअली वही फॉर्मेट है, एक वुडन बोर्ड है, उस पे आपने प्रिज्म रखा है, पहले आप दो पिंस लगाएंगे P1 और P2, उनको देखते हुए दो पिंस और लगाएंगे। टारगेट ये होगा कि चारों पिंस एक ही लाइन में आ जाए अपेरेंटली। उसके बाद मैं वो डिटेल दोबारा नहीं लिखवाता, वही वुडन बोर्ड आएगा, फिर वो वाइट पेपर शीट, प्रिपेंस लगाएं। एक्चुअली वो डिटेल एक मर्तबा आप एक ही मर्तबा लिख लें, वो बार बार चल सकती है। आप पिंस हटा देंगे और पिंस हटा के ना जो प्रिज्म की पोजीशन है उस पर ये लाइनें बना देंगे। तो नीचे लिखिएगा कि रिमूव द पिंस एंड द प्रिज्म, रिमूव द पिंस एंड द प्रिज्म remove the pins and the prism and join their position remove the pins and the prism and join their positions by sharp line and join their position and join their position by sharp line। चलो अब ये वाली डायग्राम कॉपी करो,
चले अब सब लोग हेडिंग डालिएगा, दो लाइनें छोड़कर हेडिंग डाल दो क्रिटिकल एंगल। अब ये जो कॉन्सेप्ट हम शुरू कर रहे हैं इसका नाम है क्रिटिकल एंगल। ये बहुत रेगुलर पेपर में आता है। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले जरूरी है कि ये याद रहे कि लाइट ट्रेवल कर रही हो डेंसर टू लाइटर, लाइट ट्रेवल कर रही हो डेंसर टू लाइटर, ये इसकी पहली पिक्चर है। जब लाइट आएगी तो वो नॉर्मल से दूर हटेगी। एंगल आर is greater than angle I. So you should be copy this. Sir. सॉरी लाइन दिस थोड़ा सा मसला हुआ था मुझे, तो मुझे मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। टॉपिक का नाम है क्रिटिकल एंगल। लाइट ट्रेवल कर रही है डेंसर टू लाइटर और वो नॉर्मल से दूर हट रही है। ये लाइट का ट्रेंड होता है जब लाइट डेंसर टू लाइटर जाती है। अब अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएं, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। मतलब अगर आप इधर से लाइट को दूर करें तो इधर भी लाइट से इधर भी दूर होती जाएगी। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएं तो एक पॉइंट आएगा जहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री बन जाएगा। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। मैं दोबारा समझाता हूं। अगर लाइट डेंसर टू लाइटर जा रही हो तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल।
इसमें लिखिएगा, आपने हेडिंग डाली थी, इसमें लिखिएगा कि हेडिंग डाल के लिखिएगा इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये उसकी डेफिनेशन है, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस हूज कॉरेस्पॉन्डिंग It is the angle of incidence whose corresponding angle of refraction whose corresponding angle of refraction is 90 degree whose corresponding angle of refraction is 90 degree. It is the angle of incidence whose corresponding angle of refraction is 90 degree. Comma डाल के लिखिएगा provided the light is traveling from denser to lighter. Provided light is traveling from denser to lighter. Provided the light is traveling from denser to lighter. फिर ये वाली डायग्राम कॉपी होगी, अच्छी नीट नीट डायग्राम कॉपी करिएगा.
चलो फिर इसको यहाँ तक रोक लेते हैं और इसको अगली क्लास में इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करते हैं। इसको यहाँ तक रोक लेते हैं।